और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। केदारनाथ धाम के खुले कपाट, खुल गए हैं केदारनाथ धाम के कपाट और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचने लगे हैं। आपको जानकारी दें कि कपाट खुलने पर यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी पहुंचे। उत्तराखंड में आज से ही चार धाम यात्रा दरअसल शुरू होने वाली है और आपको जानकारी दें कि केदारनाथ धाम के कपाट अब से कुछ देर पहले ही खुल गए हैं। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सुबह 7 बजे का वक्त रहा, यानी अब से करीब 2 घंटे का वक्त हो चला है जब मंदिर के कपाट यहां खुल गए। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी रही। केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। तो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। अब तक आप जान लीजिए 7,60,254 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस मौके पर केदारनाथ मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। चारधाम यात्रा भी आज से शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया की तिथि होने के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज ही खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे 12 मई को। तो आज करें बाबा केदारनाथ के दर्शन और आपको जानकारी दें कि बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने सामने बताया, डेटा रखा कि 7 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु रहे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी वो भी यहां पर पहुंचे। जब सुबह 7 बजे का वक्त रहा जब बाबा केदारनाथ के यहाँ धाम कपाट खुले हैं, कपाट खुलने के कुछ क्षण बाद ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचने लगे और लाखों लोगों ने अब तक यहाँ श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूँ और आपको मैं ये भी बता दूँ कि 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है केदारनाथ मंदिर को और आज से चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया की तिथि होने के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज से ही खुल रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे। सात लाख 83,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। पूरे चारों धामों की अगर बात करें तो 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। केदारनाथ की धाम की बात करें तो कल ही यानी 9 तारीख रात को ही 16,000 से ज़्यादा यात्री वहां पर पहुंच चुके थे। हर कोई चाहता है, हर कोई अपने आराध्य के जब 6 महीने बाद जब कपाट खुलते तो हर कोई चाहता है कि वो जो दृश्य है यानी जब कपाट खुलता है तो भगवान के सीधे वो दर्शन कर सके। यही वजह है कि लगातार लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तैयारियों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहाँ पर कपाट जब खुल रहे थे तब वहाँ पहुँचे थे। ऐसे में वहाँ पर तमाम तीर्थ पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले और अगले 6 महीने के यानी पूरे यहाँ पर शीतकाल के लिए जब बंद थे तो उसके बाद अब श्रद्धालु वहाँ पर भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना कर सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा जो 21 किलोमीटर का पैदल रास्ता है केदारनाथ धाम का, तो वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं। बारिश से बचने, बर्फबारी से बचने के लिए शेड रखे गए हैं ताकि लोग उनके नीचे रुक सकें अगर बारिश होती है। इसके अलावा गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। घोड़े, खच्चर और कंडी वालों को भी वहां पर काफ़ी सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं। दरअसल